हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द ऑटोमैन और आज हम बात करेंगे कि BS6 गाड़ियों में जो साइलेंसर की सफाई का जो प्रोग्राम बनाया हुआ है ECM के अंदर, वो आखिर में काम कैसे करता है। तो BS6 में रीजनरेशन होने का जो डिसीजन लेना है कि अब रीजनरेशन होना है या अब तक नहीं होना है, तो वो डिसाइड ECM किस प्रकार से करता है। तो वो ECM जो है वो दो लेवल चेक करता है, एक टाइम बेस्ड और एक सूट बेस। सूट बेस का मतलब है कि जो कालिख है, काला साइलेंसर में से जो निकलती है कालिख, उसको ग्राम में नापने के लिए डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर लगा हुआ है DPF के ऊपर, DPF फिल्टर के ऊपर। तो उसके डिफरेंस से, मतलब DPF के अंदर जाने वाली जो गैस है उसका प्रेशर और DPF से बाहर निकलने वाली जो गैस है उसका प्रेशर, दोनों को वेरी करके ECM पता लगाता है कि कितनी मात्रा में कालिख या सूट या PM, चाहे जो बोले आप एक ही बात है। तो कालिख कितनी मात्रा में हमारे फिल्टर में जमा हो गई है साइलेंसर के, अब उसे साफ करना है, वो पता चल जाता है। दूसरा, कई गाड़ियों में समय के हिसाब से भी होता है, तो ECM ऑटो रीजनरेशन करने के लिए समय के हिसाब से और सूट के लेवल के हिसाब से किस तरह करता है, वो अब हम देखते हैं। तो ये बड़ी गाड़ियां हो या छोटी गाड़ियां, ये सभी को पहला डिसीजन लेता है समय के हिसाब से, दूसरा लेता है सूट के लेवल, मतलब कितनी मात्रा में कार्बन जमा हो गया है उसके हिसाब से, या तो समय के हिसाब से या फिर उसका जो सूट है, सूट लेवल जमा हो रहा है उसके हिसाब से। सूट मतलब जो काली जमा हो रही है DPF के अंदर, उसके ग्राम में वजन, ग्राम में परसेंटेज निकालता है वो और उसके हिसाब से करता है। तो अब हम देखेंगे कि कितना ग्राम सूट या PM या कालिख जमा होने के बाद ECM हमारा रीजनरेशन शुरू करता है, ऑटो रीजनरेशन अपने आप रनिंग गाड़ी में साइलेंसर में लगे DPF फिल्टर की सफाई किस तरह करता है वो देखेंगे। तो 6 ग्राम के लेवल के आसपास, अगर 6 ग्राम वो सूट जो होता है PM, काफ़ी हल्का होता है, बहुत हल्का होता है, ऐसे हम हाथ पे निकालेंगे साइलेंसर में हाथ लगा के और फूंक मार देंगे तो हवा में उड़ेगा, वो इतना हल्का होता है। तो 6 ग्राम मतलब काफ़ी क्वांटिटी में जमा हो जाता है, 6 ग्राम बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ तक होता है। तो ECM हमारा ऑटो रीजनरेशन शुरू कर देता है, उसके लेवल से आगे बढ़ता है 7 ग्राम, तो फिर वो अगर ऑटो रीजनरेशन नहीं हुआ तो वो DPF का लाइट ब्लिंक करेगा धीरे धीरे, क्लस्टर मीटर पे इस तरह से ब्लिंकिंग करेगी, और उससे भी ज़्यादा अगर हो गया, 9 ग्राम से 9 ग्राम के आसपास पहुंच गया, तो उसको कंटिन्यूस लाइट दे देगा, साथ में चेक लाइट भी दे देगा अगर साफ़ नहीं हुआ तो। मान लो ऑटो रीजनरेशन नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो एक्टिव रीजनरेशन भी अगर नहीं हुआ और 9 ग्राम से ऊपर 11 ग्राम तक अगर हमारा कालिख जमा हो गया DPF फिल्टर में, तो फिर उसे सर्विस रीजनरेशन करवाना पड़ता है, मतलब लैपटॉप लगा के उसको कमांड देना पड़ता है कि अब साफ करना है गाड़ी रेस करके ECM को। तो ये 3 प्रकार होते हैं ECM के द्वारा रीजनरेशन करने के। पहला, ऑटो अपने आप हो जाएगा, 40-50 की स्पीड में गाड़ी चलेगी, 25 मिनट या आधे घंटे तक हाईवे वगैरह पे गाड़ियां जो चलती हैं उनका अपने आप हो जाता है, थोड़ा सा मालूम पड़ता है, DPF का लाइट हल्का आता है, और सफाई अगर हो गई, 6 ग्राम अगर आ गया तो ऑटो रीजनरेशन हो जाएगा और वो वहाँ तक उस कालिख को जला के बाहर फेंकेगा जब तक कि 1.5 ग्राम से कम ना हो जाए, 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम से कम ना हो जाए तब तक जलाते रहेगा। तो 25 मिनट भी लगता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा जमा हो गया तो 35 मिनट 40 मिनट भी लगता है, ऑटो अपने आप गाड़ी चलते रहेगी, 50-60 की स्पीड में हो जाएगा। लोकल जो गाड़ियाँ होती हैं जो 50-60 किलोमीटर तक, 50-60 की स्पीड में आधा घंटे तक नहीं चल सकती, तो उनमें एक्टिव रीजनरेशन करवाना पड़ता है, मीडियम रेंज में आता है वो, हमें बटन दबाना पड़ता है गाड़ी सेफ जगह लगा के और उस तरह से सफाई होती है DPF फिल्टर की। और
अगर वो भी अगर किसी कारण से नहीं हो पाता या ड्राइवर नहीं कर पाता तो फिर हमें लैपटॉप लगा के रीजनरेशन करके साइलेंसर को साफ़ करवाना पड़ता है और ये काफ़ी महंगा आता है DPF, इसलिए उसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये सिस्टम लगाया हुआ है BS6 में। और दूसरा, BS6 में या BS3 में या BS4 में जैसे हम एयर फिल्टर की सफाई समय समय से करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे DPF फिल्टर की सफाई पहले ECM करेगा या तो ऑपरेटर करेगा या फिर वर्कशॉप में जाके करना है। तो ये इस तरह से हमारा आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम की सफाई का प्रोग्राम इस तरह से डिसाइड होता है कि अगर समय हो गया तो होगा या फिर उसका सूट का लेवल ज़्यादा बढ़ गया तो होगा। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।